कल साहब एक साहब आए, वो नहीं पाए तो बहुत मेरे पे बिगड़े। उन्होंने जाके बाहर तमाशा किया, चिल्लाने लग गए कि ये सब झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा है और ऐसा है और वैसा है। उन्होंने बड़े तूफान मचा दिए। जब वो आए थे तभी मैंने उनको पहले अपने पास बुलाया। मैंने कहा बेटे तुम यहाँ आओ, एक तो उनको कोई बीमारी है गंदी अंदर में और उनके अंदर में भूत बाधा भी काफ़ी थी, तो पहले मैंने बुला कर उनसे कहा तुम ठंडे बैठे रहना जरा, नहीं तो परेशान हो जाओ। लेकिन वो विचलित हो गए और बहुत चिल्लाना चीखना शुरू कर। कुंडलिनी बहुत लोगों का कहना है कि जागरूक होती है तो कूदना पड़ता है और नाचना पड़ता है और फलाना होता है ढिकाना होता है। जो चीज़ आप कर सकते हैं वो कुंडलिनी नहीं हो सकती। सीधा हिसाब, आप नाच सकते हैं आप चाहें तो। एक आदमी है वो नाच रहा है, समझ लीजिए अपने आप से नाच रहा है, किसी वजह से भी नाच रहा है, तो आप कैसे जानिएगा कि ये कुंडलिनी है? क्योंकि कोई भी आदमी नाच सकता है, सीधा हिसाब है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, कोई भी आदमी दूसरा भी आदमी चिल्ला सकता है, चाहे उसकी कुंडलिनी जागृत हो चाहे नहीं। ये तो सभी कुछ आप कर सकते हैं। कुंडलिनी का स्पंदन आप नहीं दिखा सकते, आप अपनी आँख से देखिएगा कि कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में स्पंदित होगी या कहीं साइड में स्पंदित होगी, आप अपने आँख से देख सकते हैं। ये आप नहीं कर सकते कि एक किसी पोर्शन में ही पल्सेशन शुरू हो जाए, दर 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 दर, ये तो आप नहीं कर सकते। कोई करके दिखा दे, पर कोई भी चाहे नाच सकता है, कोई भी चाहे कूद सकता है, चीख सकता है। तो आप ये कहिएगा तो अकस्मात कोई अगर चीखने लग जाए और चिल्लाने लग जाए और कूदने लग जाए तो क्या होगा? तो उसका सीधा नाम है उनको भूत बाधा हो गई। जब ही किसी को भूत बाधा होती है तो वो ऐसे ही करता, उसके अंदर कोई और आदमी आने की वजह से वो आदमी चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कुछ भी करने लगता है। कल हमारे बीच एक साहब आए थे, मैंने आपसे बताया था कि वो पूरा हठ योग का व्यायाम मेरे सामने करते, पूरा, यहाँ तक कि मैंने उनसे यहाँ आना बंद कर दिया कि मुझे लगा अब इनकी अथड़ियाँ पूरी बाहर निकल आएंगी, उसको भी ये छोड़ेंगे नहीं। और वो अविरत करते थे, बगैर किसी एफर्ट के करते थे। उन्होंने कभी हठ योग नहीं सीखा, उनके अंदर कोई भ्रष्ट हठ योगी घुस गया था। वो हर तरह के नक्शे मेरे सामने करता था। यहाँ तक इस तरह के भूत बाधा के लोग हैं, आपको आश्चर्य होगा कि वो मेरे ऊपर अनेक कविता लिखते। शुरू शुरू में जब सहयोग शुरू किया था तो बम्बई में एक नौकरानी जो कि बर्तन मांजती है, जिसे घाटिन कहते हैं, उसने आते ही बड़े ज़ोर ज़ोर से श्लोक गाने शुरू कर दिए और 15 श्लोक देवी महात्मा के मेरे सामने गाए और एकदम पुरुष के जैसे खड़े संस्कृत में इस तरह से सुनाया कि लोग दंग हो गए कि संस्कृत में इस कदर पांडित्य इस नौकरानी में कहाँ से आ गया, ये इतने बड़े बड़े देवी के श्लोक कैसे सुना रही। बड़े आश्चर्यचकित हो। उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर एक पंडित आ गए थे और वो श्लोक सुना रहे थे। मैंने उन पंडित साहब से कहा, बंधन देके मैंने कहा आप जाइए यहाँ से, आप इस औरत में आकर क्यों इतनी परेशान कर रहे हैं मुझे यहाँ पर। उसने कहा माँ मैं कब आऊँगा, फिर मैं कब पैदा होऊँगा, फिर मैं तुम्हारे कब गुणगान गाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। और वहाँ और भी बहुत से हमारे सहयोगी थे, उन्होंने बात सुनी। मार्कंडेय से लेकर के उससे भी अनादिकाल से लोगों ने बताया कि भूत पिशाच आदि सब चिपक जाती। जितने भी मेंटल डिजीज हैं, ESP हैं, पहले से किसी की खबर आ जानी, ये सब कर्ण पिशाच आदि वगैरह बारों में अपने शास्त्रों में अनेक कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम कहाँ, हम तो हिंदी भी नहीं पढ़ते, फिर संस्कृत तो बहुत दूर की रह गई, वो तो भाषा इंग्लिश लोगों की हो गई। अब हम लोग तो इंग्लिश पढ़ते हैं, हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ कि इस तरह की चीज़ें घटित होती हैं और उससे मनुष्य बहुत दुखी हो जाता है। कुछ कुछ लोग हैं अपने को बड़े बड़े लोहे के हुक्स में अटका लेते हैं और पेड़ों पे लटका के दिखाते हैं। ये खासकर आदिवासियों में तो बहुत ये प्रथाएं चलती हैं, अजीब अजीब तरह की चीज़ें, बिल्कुल आग जला के उसके अंदर चलना, भूत विद्या अफ्रीका में भी बहुत तरह तरह की होती है। हर एक देश में अजीब अजीब तरह की भूत विद्याएँ होती हैं। तो मनुष्य सोचेगा कि इसमें तो कोई विशेष चीज़ हो ही गई कि ये भाई आग में चल दिए। इस प्रकार अनेक तरह की चीज़ें
इस देश में पहले होती रही हैं और अब उन देशों में हो रही हैं जहाँ रजोगुण अति पे पहुँच गया। रजोगुण अति पे पहुँचते ही साथ आपके देश से अनेक भूत विद्या वाले एक्सपर्ट्स वहाँ पहुँच गए, सबको मेस्मराइज करना शुरू कर दिया, सब पे उन्होंने छाप डाल दी, लाखों रुपया करोड़ों रुपया उन्होंने बनाया, बड़ी बड़ी जगह बनाई। अब वही भूत उनको खाएंगे, खाते ही हैं और शुरू हो गया। अब वो परेशान है, अब ये पैसे उनको नहीं बचा सकते और उन लोगों को भी भूत खाते। कल भी मैंने बताया था, मैं साफ तरह से आपसे बताना चाहती हूँ, मुझे किसी से डर नहीं कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करने वाले लोग आज मेरे पास 132 आदमी बराबर लंदन में आए और सब कहते कि हमारे सर में ब्लॉकेट हो गया, माए से निकाल। कल मैंने बताया था, आज फिर मैं बता रही कि मांगना चाहिए आत्मशक्ति को। आत्मशक्ति रजोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति तमोगुणी नहीं होती, आत्मशक्ति सत्वगुणी भी नहीं होती है, वो गुणातीत सबसे परे बहती हुई सी अंदर से शक्ति स्वरूप अपने अंदर से बहती रहती है। वो किसी भी गुणों के अंदर लिपटने वाली शक्ति नहीं है, वो निर्वाज्य है, किसी से लिपटती नहीं। आत्मा की शक्ति धड़ 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 अंदर से ऐसी बहती है जैसे गंगा जी, उसकी शक्ति का, उस शक्ति के कोई प्रदर्शन आप नहीं भर सकते। अगर आप चाहें कि चलिए इस शक्ति को यहाँ पर घुमा करके चार आप अंगूठी से चीज़ें निकाल दें और ये वो, ऐसे फालतू चीज़ों में उस शक्ति को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अंगूठी शंगूठी होती क्या चीज़ें हैं, पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। ये सब आपका टेंशन खराब करने की बात है। सिर्फ सत्व गुण में रहने से, मध्यम का रहने से, मध्यम स्थिति में रहने से मनुष्य गुणातीत हो सकता है, क्योंकि इसकी जो गति है, ये मध्यम में जो लाइन है जिसे आप देख रहे हैं, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उसी से उसकी गति होती और उसी से वो आदमी ऊपर उठता है। कुंडलिनी सुव्यवस्थित ऊपर उठती है, उसका उठाने वाला चाहिए। कुंडलिनी बराबर अपने रास्ते से उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, उसका जानकार चाहिए। जिसको देखो वही कुंडलिनी लेकर के बैठ जाने से वो कुंडलिनी वाला नहीं होता, फिर एक आध मिनिस्टर उससे चिपक जाए तो और भी अच्छा। कोई मिनिस्टर हो जाने से कोई कुंडलिनी का बड़ा भारी वो लाट साहब नहीं हो सकता। कबीरदास कहाँ के मिनिस्टर थे, कितनी पढ़ाई की थी कबीरदास जी, कौन से यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे वो, तुकाराम कौन से यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़े थे, कहाँ के वो मिनिस्टर थे, कहाँ के राजा थे वो, इतना ज्ञान कहाँ से पाया। ज्ञानेश्वर कहाँ के पढ़े लिखे थे, कहाँ उन्होंने इतना ज्ञान पाया, कौन सी पाठशाला में गए थे वो। परमात्मा के साम्राज्य में उतरने की बात है। जब मनुष्य परमात्मा के साम्राज्य में आ जाता है तो उसके कायदे कानून देखने लगता है तो हंसी आती है कि इस कायदे कानून को क्या करें। अभी कोई साहब ने मुझसे कहा कि माता जी हमारे लिए कोई अब देश में लीडर नहीं रह गया, आप इलेक्शन लड़ो। अरे मैंने कहा कहाँ की बात करते हो, राजा के घर में रहने वाले लोग भिखारियों के घर में आके नहीं रह सकते। भिखारियों का पॉलिटिक्स ये किससे भीख मांगे, किसका रुपया बचाए, छी छी छी, ये सब चीज़ें हमारे बस की नहीं। हम तो बादशाह आदमी हैं, हमें कहाँ फंसा रहे, हमने कहा ये तो भिखारियों के राज हैं, हमारे बस के नहीं। उसी में आप बादशाहत में उतर सकते हैं अगर आप चाहें, अपनी बादशाहत में उतरिए। वो तभी हो सकता है जब परमात्मा के राज्य में आप आते हैं, तब आप असल में बादशाह होते हैं। बाकी आप कभी बादशाह नहीं हो सकते, पैसे वाले नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकते, सब व्यर्थ है, सब भिखारी है। दीन बन करके खड़े हुए हैं, साहब हमारा ये काम करा दीजिए, घिघिया रहे हैं भगवान से भी जाके कि हे भगवान मुझे तुम फलानी चीज़ दे दो। बादशाहत में आदमी अपनी शान में खड़ा रहता है,
उसकी शान अत्यंत सौम्य और प्रेममय होती है, अत्यंत दयावती और कल्याणमयी मंगलमयी होती है। परमात्मा के जो रूल्स और रेगुलेशंस है और उसका जो प्लानिंग है उसके साथ एकाकार होना चाहिए। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।